हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये चौथा लेक्चर है आपका। इससे पहले आपको तीन टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट का जो क्वेश्चंस मैंने कल पूछा था 10th नंबर, उसका आंसर होगा 6000। क्या होगा? 6000, ठीक है। तो जिन लोगों ने कॉमेंट किया है वो सही है, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो सही लगता है आपको तो लाइक कर दें, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस नंबर है आपका पहला। क्वेश्चंस नंबर पहला है कि पांच लड़कियां ए बी सी डी और ई की ऊंचाई इस प्रकार है कि ए डी से ऊंची है लेकिन ई से नाटी है। नाटी मतलब छोटी है, ठीक है। सी ई से ऊंची है मगर बी से नाटी है, तो सबसे ऊंची लड़की कौन है? देखिए ये जो क्वेश्चंस है मैथ सेगमेंट में दिया हुआ था सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, बट मुझे लग रहा है कि रीजनिंग का है। खैर कोई बात नहीं, मैथ हो या रीजनिंग, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखें क्वेश्चंस नंबर ये वन है, जो पांच लड़कियां हैं। तो मान पांच लड़कियां हैं, ए डी से ऊंची है, तो ऊंची मतलब लंबी है, तो यहाँ लिखते हैं पहला स्टेटमेंट, ए डी से ऊंची है लेकिन ई से नाटी है। कौन? ई से नाटी मतलब ई, अगर ए डी से ऊंची है लेकिन ई से नाटी मतलब छोटी है, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या हो गया? ई। मतलब कहने का मतलब है कि हम बोले कि हम आपसे छोटे हैं, हम आपसे बड़े हैं, ठीक है, हम आपसे बड़े हैं लेकिन हम किसी और से छोटे हैं। इसका मतलब जो कोई और है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ई ए डी एस पहला हो गया, सी ई से ऊंची है तो दूसरा लिखते हैं, सी जो है ई से ऊंची है, ठीक है, मगर बी से नाटी है, और सी जो है वो बी से नाटी है। तो सबसे ऊंची लड़की कौन है? यहाँ देखें, बी जो है वो ई से भी बड़ी है, देख रहे हैं। सी जो है, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे पता लगाएंगे, ये जो सी है वो ई से भी बड़ी है और उससे भी बड़ी बी है, और ई यहाँ ओवरऑल बड़ी थी। इसका मतलब पूरा सेगमेंट को अगर हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें? बी, ठीक है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बी। इसको अगर अरेंज करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं पूरा को, कैसे, बी सबसे बड़ा होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा और फिर डी होगा। अगर पूरा अरेंज करने लिखता या तो बोल देता कि बताइए तीसरे नंबर पे कौन होगा, तो तीसरे नंबर पर ई हो जाता। बताइए चौथे नंबर पर कौन होगा, तो आपका ए हो जाता। दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो सी हो जाता। और सबसे बड़ा पूछा है तो बी होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, ध्यान देंगे। एक हवाई जहाज़ 30 मिनट विलंब से उड़ान भरता है, ठीक है। 30 मिनट विलंब से, विलंब मतलब देर से, ठीक है। विलंब मतलब क्या होता है? देर से। अपने गंतव्य जो 1500 किलोमीटर दूर है, गंतव्य मतलब जहाँ पे पहुँचना है, डेस्टिनेशन, गंतव्य जो उससे 1500 किलोमीटर दूर है, पर सही पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति से 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर उड़ता है। मतलब अपनी सामान्य गति उसकी जो भी होगी उससे वो 250 किलोमीटर ज़्यादा से उड़ता है। मान लीजिए कि वो एक से अगर उड़ता होगा तो वो आधा घंटा विलंब से उड़ा ना, तो इसको मेकअप करने के लिए वो जिसका उसको सामान्य गति एक्स है तो वो उससे 250 किलोमीटर ज़्यादा प्रति घंटा से उड़ेगा। तो ज़्यादा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 250, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको मान लेते हैं प्रारंभिक दूरी x है, प्रारंभिक मतलब गति x है, तो इतना भी बढ़ा के चलेगा तो x प्लस 250 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1500 मेरा क्या है? डिस्टेंस है, और x से उसको चल मतलब सामान्य उसकी गति x है, लेकिन वो उसको मेकअप करने के लिए किससे चल रहा है? 1500 x प्लस 250 से। विलंब कितना हो गया? ये दोनों को घटा देंगे, वही तो विलंब है। इसी विलंब को मेकअप करने के लिए वो इससे इतना ज़्यादा से चलना स्टार्ट किया, उड़ना स्टार्ट किया, तो विलंब कितना का हुआ? 30 मिनट का, मतलब 1/2 घंटा हो गया। मतलब उसका घंटा में कन्वर्ट करेंगे, 30 को 60 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो यही क्वेश्चन था आपका, क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कैसे इसको लिखें? देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। हमें टाइम पता है कि ये विलंब कर रहा है 30 मिनट, तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए ये जो टाइम है यहाँ पे आ गया, टी यहाँ टाइम है, डिस्टेंस आपका 1500 है और स्पीड आपका एक्स है, और ये क्या है, एक्स प्लस 250। अब घटाएं क्यों, इसलिए घटाएं क्योंकि वो 30 मिनट विलंब को मेकअप कर रहा है, ठीक है, मेकअप कर रहा है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ गया। तो दोनों पहले और अब में कितना अंतर आ रहा है टाइम का, आधा घंटा विलंब हो रहा है, इसलिए इसको घटाएं, ठीक है। अब देखें, अब जो इक्वेशन आ गया मेरा, क्या इक्वेशन आया है, इक्वेशन आया है आपका 1500 बटे एक्स, कलर चेंज करते हैं, 1500 बटे एक्स, और फिर आया है आपका 1500 प्लस एक्स प्लस 250। अब देखें इसको अगर हम गुना करने लगेंगे, एनसीएम करने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसको क्या होता है, ऑप्शन पुटिंग वैल्यू से हम बना सकते हैं, मतलब कोई भी ऑप्शन यहाँ से उठाते हैं और बारी बारी से चेक करते हैं कि ये आधा मतलब 1/2 किस ऑप्शन से आ सकता है। अगर हम x के जगह 750 बिठाते हैं तो देखिए यही 750 से 1500 काट देगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर ऑप्शन ए ले रहे हैं हम, ठीक है, ऑप्शन ए ले रहे हैं, और यहाँ 750 बिठाते हैं तो 750 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, 1000 और बटे 1500, तो 1000 बटे 1500 कितना आ जाएगा, कितना आता है, 1000 बटे 1500, 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 3 15 5 2 10, 3/2। ये देखें यहाँ 2 है और यहाँ 1.5 है, ये 3/2 घटाएंगे इसको तो क्या आएगा, 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही। अब और फॉर्मूला और कुछ रख के देखेंगे नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इसको अच्छा है कि आप ऑप्शन से बैठा के देख लेंगे, अब सोचेंगे कि देखिए इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ऐसा पहले सबसे पहले ऑप्शन ऐसा देखना है कि सब इजीली कट जाए, अगर 600 आप रखिएगा तो कुछ लफड़ा हो जाएगा, यहाँ 850 हो जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जो सबसे आसान चीज़ है उसको रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए 500 रखिएगा, ठीक है, तो 5 3 15 आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ 750 2 आ जाता तो 1 आता, जो कि नहीं होगा। तो कितना आसान है, अगर मान लीजिए आप 500 रख लिए तो तुरंत पता चल जा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मन में भी कर सकते हैं आप। तो आप इसको सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। वैसे आपका थ्योरी बता दी, देखिए मैथ और रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, थ्योरी वैसा कुछ नहीं होता। आपको फार्मूला नहीं पता था क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो पता ही था आपको, तो आप वही फार्मूला को हमें यूज करना आना चाहिए। तो वो फार्मूला यूज करने कैसे आएगा, जब हम मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है सारा क्वेश्चन सही बनेगा। अगर हम 100 क्वेश्चंस बनाते हैं, 50 क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग काम करने लगेगा। और क्वेश्चंस कितने तरीके बनते हैं, हर एक चैप्टर से 10 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बस आप उसी 10 तरह के क्वेश्चंस को 10 बार 20 बार बना लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो दरोगा प्रीवियस ईयर सेट का जो सीजीएल बेस्ड है, जो सीजीएल का ही समझ लीजिए एक तरह से, उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा सीजीएल में, जो दरोगा 33 सेट में पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपको इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, चैनल का नाम है डे टू डे स्टडी, नीचे होगा आपका, ठीक है, वहाँ जाइएगा और चैनल पर जाइएगा। तो कल हमने 20 क्वेश्चंस का रीजनिंग प्रीवियस सेट का करवा दिया था, ठीक है, आज फिर सीजीएल प्रीवियस ईयर का 20 सेट आप 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, जो सुबह आपको 9:30 मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, बहुत लोगों ने आज देखा है और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ यार अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना एफर्ट डालना पड़ता है, पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करो, फिर टाइपिंग के लिए भेजो, फिर वो भेजता है, फिर क्रॉस चेकिंग करो, ठीक है, फिर कुछ समझो, ठीक है ना, फिर पढ़ाओ। तो आपका बस एक लाइक एक कमेंट ही हम लोग के लिए बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1000 रुपये का कर्ज लिखा गया, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लिया गया, ठीक है, क्या इतना थोड़ा समझ सकते हैं आप, हमें एरर तो हो ही जाता है, लिया गया है, ठीक है, उसके दो समान किस्तों करना है, उसके दो समान किस्त, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये किसी से उधार लेंगे और उसको दो समान किस्त में देना है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, करना है। अगर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो प्रति किस्त में कितनी राशि भुगतान करेंगे, प्रति किस्त में, यहाँ किस्त में नहीं, किस्त तो कुछ और ही होता है, प्रति किस्त में, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ईएमआई किस्त। अब देखें क्वेश्चंस क्या है, 1000 का हम लोन लिए, उसको दो समान किस्तों में देना है और हमारा 20% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चंस में दिया है। तो 20% बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं इस क्वेश्चंस को वैसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे आप,
अगर आपको इस क्वेश्चन चाहिए टाइप किया हुआ, हम सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चंस। सॉल्यूशन इसलिए नहीं दे सकते कि जैसे ही इसको प्रेस करते हैं सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो 20% क्या होता है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। क्यों लिख सकते हैं, 20/100 होता है ना, 1/5। तो इसका 10,000 जो 1,000 दिया हुआ है, इस 1,000 का 1/5 निकालेंगे आप, तो 1,000 का 1/5 क्या होता है, 5 × 10 = 200, क्या होता है 200। अब देखें, कल बताए थे आपको ये 200 पहला ईयर में लगेगा, ये पहला ईयर का हो गया, ये दूसरा ईयर का हो गया। अब ये 200 का फिर लगेगा आपका 20%, जो क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये सिंपल साधारण ब्याज होता तो 400 रुपया हो गया, लेकिन फिर ये 200 का लगेगा आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% के हिसाब से, ये कितना आ गया 40, यहाँ होगा 40, तो टोटल कितना हो गया ब्याज हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज 440, और लिए कितना थे उधार 1,000, तो 1,000 और 440 कितना होगा 1,440, दोनों को जोड़ देंगे तो, और दो किस्त में हमको देना है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 14 तो 2×4 इधर 720 रुपया आपका आ जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस कैसे बने आपको याद रखना है, कल आपको 3 ईयर का बताए थे ट्री मेथड। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए निकालना हो तो क्या होता है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहला साल, ये दूसरा साल, फॉर्मेट क्या है इसका, एक्स एक्स अगर दूसरा साल लग रहा है तो ये वाई यहाँ होता है, ये एक्स पहला साल का यहाँ इंटरेस्ट लग रहा है, ये होता है फॉर्मेट, ये एक्स वाई जो है ये इस पे जो पे लग रहा है आपका, तब ना जाके चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है, तब जाके ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक। अदरवाइज आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है फार्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 के पावर में n। तो यहाँ देखिए अगर आपको दिया हुआ है क्या, तो 2 साल के लिए निकालना है, p आपका कितना है 1,000, 1 + r कितना है 20%, 20/100, और n कितना है आपका समय मतलब 2 साल। अब इसको कैलकुलेट करिएगा आपका आ जाएगा, अब कितना आएगा ये 1,440 रुपया आएगा, इसको 2 बार में देना है तो भागा दे दीजिएगा 720 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, चेक कर ही देते हैं, ठीक है। क्या था फॉर्मूला आपका, ए इज इक्वल टू पी इंटू, हम इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते इसलिए बताते हैं आपको, 1/n, पी आपका 1,000, ए आर कितना है आपका 20%, 100 का पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ LCM ले लेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा और ऊपर 120 हो जाएगा, ठीक है, तो 1,000 × 120/100, 120/100 दो बार है इतना लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 1 से यहाँ कट गया, ठीक है। तो अब कुछ बचा नहीं, तो कितना हो गया ये 12 × 444 होता है, 12 × कितना होता है 440 हो जाता है, तो ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है CIE का, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इसमें इसको जोड़ देंगे आप तो आपको कितना आ जाएगा 440 जोड़िएगा तो वही काट के फिर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ है तो आपका कैलकुलेशन आसान हो गया, अगर यहीं पे 3 साल दे देता, 4 साल दे देता, तो क्या आप इतना करते रहिएगा, करिए फिर बैठ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो प्लीज़ क्वेश्चंस नंबर नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले सेशन में वहीं से शुरू कर देंगे। अगर 2 संख्याओं का अंतर 8 है और उसके वर्गों का क्या लिखा हुआ है, 274 है, तो ये दोनों संख्याएं हैं, पता नहीं यार ये क्वेश्चंस क्या गलत टाइप किया है क्या, ठीक है। 2 संख्याओं का अंतर 8 है और उसके वर्गों का योग, यहाँ छूट गया है वर्गों का योग, ठीक है, क्या होगा यहाँ वर्गों का योग, ठीक है, उसको समझाना पड़ेगा, इतना गलती टाइपिंग करता है, यहाँ क्या होता है वर्गों का योग होगा ये, ठीक है, यहाँ योग लिखा हुआ है, वर्गों का योग है 274। देखिए 2 संख्या मान लिए x और y, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है x − y 8 मान लिए, अब बोल रहा है दोनों का वर्गों का योग दिया हुआ है 274, तो x² + y² = दिया हुआ है 274, बस और कुछ नहीं करना था। आपको पता है फॉर्मूला x − y² क्या होता है, x² + y²
-2xy। अब यहाँ देखें x माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये 8, तो 8 का यहाँ क्या हो जाएगा, ये 64, और ये क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है आपका 274, वर्गों का योग दिया हुआ है -2xy। ठीक है, अगर 274 में से हम 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 210, कितना बचेगा 210, 2xy इक्वल टू, इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 210। ठीक है, तो xy बराबर कितना आ गया, 105। अब देखें ये xy का कौन सा यहाँ गुणनफल है जो 105 पहुँचेगा, ऑप्शन में देखिए 7 और 15 आपका है, वो xy गुना होके ये देगा 105। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ना तो ये देगा, ना तो ये देगा, ना तो ये देगा, यहाँ ए और सी दो ऑप्शन लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन ए या सी जो मारिए 7 और 15 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और CGL का जो रीजनिंग होगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया है दरोगा में। ठीक है, तो आपको सेट बाय सेट करवा दे रहे हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ देखिएगा, 20-20 क्वेश्चंस का पर डे सेट होता है आपका। ठीक है, तो प्लीज़ देख लीजिए, आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम हम 800 क्वेश्चंस कराएंगे आपको, 800 क्वेश्चंस कराएंगे रीजनिंग का। ठीक है, 800 से ऊपर ज़्यादा ही होगा, 900-950 क्वेश्चंस होगा, उसके बाद साइंस का ही 900-950 क्वेश्चंस, जो जेपीएससी पीटी का साइंस आया हुआ है, जो सीजीएल का, सचिवालय का, मेंस प्री का जो साइंस है, फिर दरोगा का जो 20-20 क्वेश्चंस का सेट है, लगभग 900 समथिंग 70-80 क्वेश्चंस होगा, वो पूरा आपको 20-20 क्वेश्चंस का सेट करवा देंगे। इसी तरह रीजनिंग खत्म होगा, फिर साइंस करवाएंगे, आप नीचे चैनल जाके देख सकते हैं। पांच रिक्त क्वेश्चंस नंबर 5, रिक्त स्थान पूर्ण करें। देखें क्या है क्वेश्चंस में, थोड़ा दिमाग लगाइए, 5, 9, 17, 29, 45, थोड़ा कोशिश करिए क्या है, चलिए कर लिए होंगे कोशिश, अब बताते हैं, 5, 9, 17, 29, 45। ठीक है, अगला टर्म हमें निकालना है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए, ये 4 का डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ये यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, ये यहाँ 16 का डिफरेंस है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4, 8, 12, 16, अगला 20 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे जो होगा वो 20 का डिफरेंस होगा, तो इस 20 को 45 में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 65, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65 बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चंस हो जिसमें आपको भुजा दे दिया हो, साइड दे दिया हो त्रिभुज का, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है आपके पास, ये दे दिया है आपको, क्या दिया है कि एक है 8, एक है 15 और एक है 17, कुछ भी मान लीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल किससे होगा, तो कैसे निकालते हैं इसको, इसको हीरो के फार्मूला से निकालते हैं, किस फार्मूला से, अगर इस तरह का केस हो तो हीरो फार्मूला यूज करते हैं। हीरो फार्मूला क्या होता है, देखिए हीरो फार्मूला क्या होता है, हीरो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए S, इसको नोट कर लेंगे, S S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, तो ये क्या होता है अंडर रूट इसका, तो यहाँ पे हमारा किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं, ए बी सी, तो आपको ए बी सी का वैल्यू दे दिया है, आपको एस निकालना है, एस होता है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, इसको इसको भुजा को जोड़ देंगे और दो से भागा दे देंगे, वो होता है अर्ध परिमाप, तो हमारा एस निकल जाएगा और ए बी सी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप बराबर एस इजल टू ए प्लस बी इन प्लस सी बाई टू, तो हमारा 8 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है, अपॉन टू, तो 15 प्लस 8 23 और 17 कितना हो गया 40 बटे 2, भागा देंगे तो काटेंगे तो 20, ठीक है, मेरा एस आ गया 20। तो अभी फार्मूला आपको बताए थे क्या होता है फार्मूला, एस इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये लिख दिए, ये हो गया त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने का, एस हमारा आ गया 20, ठीक है, अब एस माइनस ए यहाँ लिख दें 20 माइनस 8 या डायरेक्ट घटा दें, डायरेक्ट घटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, 20 में से 8 घटाइएगा 12, 20 में से 15 घटाइएगा 5, अब 20 में से 17 घटाइएगा 3, ठीक है, अब आ जाएगा ये रूट के अंदर, अब 15 बढ़ेंगे 180 और 180 गुने 20 3600, आप गुना करते रहिएगा आराम से, ये होगा 3600।
अब इसको क्या होगा, एक को छः बाहर आ जाएगा और एक ठो जीरो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60। आपका आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है कि स्कूल पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है स्कूल में इतिहास और ज्यामिति की 450 किताबें हैं, मतलब हिस्ट्री और ज्योमेट्री की 450 किताबें हैं। ठीक है, हम यहाँ इसको नोट कर देते हैं H से हिस्ट्री, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हमको लिखने में दिक्कत ना हो, और G से ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति और विज्ञान का कितना है 550, हम विज्ञान के लिए यूज करेंगे साइंस, S फॉर साइंस 550। ज्यामिति और विज्ञान की किताबें कितनी है 550। अगर विज्ञान की किताबें इतिहास की किताबें से 4/3 है, मतलब 4/3 है, तो ज्यामिति की कितनी है, तो ज्यामिति क्या होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो दिया है पहले उस पर काम करते हैं। हिस्ट्री प्लस ज्योमेट्री कितना है, हिस्ट्री प्लस ज्योमेट्री 450। और देखें विज्ञान, ज्यामिति और विज्ञान, ज्योमेट्री और प्लस साइंस कितना है 550। हमें निकालना क्या है ज्योमेट्री का, हमें निकालना क्या है ज्योमेट्री कितनी संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, ज्योमेट्री कॉमन है दोनों में, अगर घटा देते हैं इसमें यहाँ पे, अगर ये दोनों को घटा देते हैं नीचे ऊपर, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होता है ना, इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस हो जाएगा, ये जी कट जाएगा आपका क्योंकि प्लस माइनस है, और एच माइनस एच मतलब हिस्ट्री माइनस साइंस कितना आ गया आपको 450 में से माइनस 550 घटाइएगा तो माइनस 100 ये आ गया आपका। अब देखें आगे पढ़ें, अगर विज्ञान की किताबें इतिहास की किताबें का 4/3 है, अगर विज्ञान की किताबें इतिहास की किताबें का 4/3 है, तो मान लेते हैं हम कि हिस्ट्री का किताब कितना है 3x है, मान लिए हिस्ट्री का किताब कितना है 3x है, तो यहाँ देखिए अगर विज्ञान की किताबें की इतिहास की किताब 4/3 है, तो 3/3x का 4/3 कितना होगा 4x होगा, तो ये 4x होगा, और इसमें यहाँ हम मान लिए कि हिस्ट्री का कितना है 3x है, हिस्ट्री की किताब कितनी है 3x है, तो इसी के कारण जब 4/3 है आपका इतिहास क्या बोलते हैं किताब, इतिहास की किताबें विज्ञान का, तो इसका कितना हो जाएगा 4/3 4 हो जाएगा साइंस। आप एक्स भी मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x। अब इसको घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 3x में, एक्स में 4x जाएगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यामिति की कितने किताबें हैं, ज्यामिति की कितने किताबें हैं, तो कैसे निकालेंगे ज्यामिति कितने किताबें। देखिए यहाँ पे आप कोई भी उठा लीजिए आपका, देखिए हिस्ट ज्योमेट्री इसमें से अगर यहाँ घटा देते हैं हम 550 है ये, अगर इसमें से हम 550 में से ये साइंस को घटा देते हैं विज्ञान को, ये है ना यहाँ पे ये वाला विज्ञान को, तो हमारा ज्योमेट्री निकल जाएगा। ठीक है, और हम एक्स यहाँ निकाल चुके हैं तो हमारा साइंस का कितना है 4x है, तो ये 500 और 4x की जगह में x बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो गया 150। ठीक है, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में मानना था और कैलकुलेशन करना था, तो ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिक्कत होगी तो प्लीज़ अगले सेशन में पूछ लीजिएगा आप। अधि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 35 को एक्स प्लस 7 विभाजित करता है तो के का तुल्य है, तो के का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, के का वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। देखिए अगर कोई भी संख्या, देखिए मान लीजिए कि ये 20 है, इसको छोड़ दीजिए, ये 20 है और 20 को कोई संख्या जो है ये 10 जो है विभाजित कर रहा है, ये 10 इसको विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसका इसका कुछ रिजल्ट आएगा, ये दो बार में इसको विभाजित कर रहा है, पूरा पूरी काट दे रहा है, विभाजित करने का मतलब क्या होता है, वो पूरा काट दे रहा है, रिमाइंडर जीरो दे रहा है यहाँ पे। उसी तरह ये जो है आपका, उसी तरह क्या है कि ये जो आपका है यहाँ पे एक्स प्लस 7, ये इस पर अगर बैठा देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा रिमाइंडर देगा वो जीरो देगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x माइनस 7, ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ एक विभाजित करता है। ठीक, x माइनस 7, अब इस x का वैल्यू माइनस 7 इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 का होल स्क्वायर
इतना आराम से और इतना कैलकुलेशन हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि बहुत तरह के बच्चे देखते हैं वीडियो को। प्लस में क्या हो जाता है आपका, -7 के यहाँ पे है आपका, ये होगा -7, -35 इजल टू 0, क्योंकि ये विभाजित कर रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए हमने 0 लिया है। आपको एक एक रीजन बताते हैं, ठीक है, आप हम आंसर की तरफ नहीं जाते हैं कभी भी। ये क्या हो जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा -7k, -35 इजल टू 0। अब देखें यहाँ पे 49 में से 35 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14, और इस 7k को उधर ले जाइए तो ये हो गया आपका 14, और 7k को इधर ले आइए तो k की वैल्यू क्या आ गया बताइए, k इजल टू आ गया आपका 2, 7 × 2 = 14, इतना तो हो जाएगा ना आपसे, k इजल टू 2, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर डी नंबर। अब ये k इजल टू 2 यहाँ रख के देखिए, आप देखिएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, k इजल टू 2 रखिएगा और x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, -7, इसको अगर दोनों को रखिएगा तो ये 0 देगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है, अब से 6 वर्षों उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाएगा, बी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए इसको भी हम दो मेथड से बताएंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड एक्स मान के और एक क्या बोलते हैं इसको रेशियो मेथड, जिसको जैसा ठीक लगेगा आप बना लेंगे, ठीक है, बेटर होगा कि आप रेशियो मेथड से जाएं। पहले बताते हैं रेशियो मेथड, ए और बी, ठीक है, ए और बी के आयु का अनुपात 2:3 है, मान ली यहाँ 2:3 दिया हुआ है, अब से छः वर्षों के बाद यहाँ लिखा होगा, अब से 6 वर्षों के बाद, यहाँ छूट गया है, 6 वर्षों के बाद होना चाहिए, 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाता है, तो 6 वर्ष + 6 वर्ष ऐड कर दिए, 8:11 हो जाता है, 8:11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, पहले लिखने सीखिए फिर सॉल्व करने सीखिए। अब क्या करेंगे, इस 11 को 2 से गुना करेंगे और इस 8 को 3 से गुना करेंगे, तो 8 × 24 और 11 × 22, देखिए 8 × 3 − 11 × 2 = अब क्या करेंगे, फिर कलर चेंज कर देते हैं ताकि इजी हो आपको, इस 8 को इस 11 को 6 से गुना करेंगे और इस 8 को 6 से गुना करेंगे, और मतलब इतना याद रखिएगा कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, 11 × 6 = 66, क्योंकि एज कभी माइनस में देखें नहीं ना, सबका रीजन है, लॉजिक है, 11 × 6 = 66 और 8 × 6 = 48, तो यहाँ लिख देते हैं हम 6 × 11 − 8 × 6 = 8, ठीक है, हम इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, बट क्या करें 8 × 6 = 8, ये हो गया 24, ये हो गया 22 इजल टू 66 − 48, ये हो गया आपका 2 और ये आपका आ गया 66 − 18, तो 1 = 9, ठीक है, 1 = 9, तो ये 9 जो आया वो हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, तो एक रेशियो का वैल्यू है वो 9 है, क्या है 9 है, तो हमें किसका पूछ रहा है, बी की वर्तमान आयु, तो बी कितना है, बी का वर्तमान आयु 2:3 था, यानी बी 3 है ना, तो 9 × 3 = 27, तो बी का कितना हो गया, 3 को 9 से गुना कर देंगे, 27 आ गया, आपका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर 27, ठीक है। अगर आपसे पूछता ए का कितना होगा, तो ए कितना है 2, तो 2 × 9 करते तो 18 हो जाता, ठीक है, अगर ये पूछता तो 18, लेकिन पूछा है 9, तो 9 × 27 वर्तमान में यही था ना 3, ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसके आयु का अनुपात ए और बी की आयु का अनुपात दोनों कर्मशः 2:3 है, तो 2:3 हम 3 से गुना कर दिए, 27 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते हैं एक्स मान के, ये तो यही चीज़ जाएगा उसमें, थोड़ा यही कैलकुलेशन होगा, कैसे सीखें, मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर है, मान लेते हैं कि इनकी जो ए और बी की जो आयु है वो है 2x और 3x, क्या है 3x, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है 6 वर्ष के बाद, क्या है 6 वर्ष बाद, तो प्लस सिक्स कितना हो जाता है अनुपात में 8:11, अब बताइए यही कैलकुलेशन था वहाँ, फिर वही 11 को 2 से गुना करिए, 22x + 66, कुछ नया है बट आपको प्रैक्टिस जिसमें है आप करिए,
हम, लेकिन हम तो पहले मेथड को प्रेफर करते हैं, अर्थ या 24x और ये अच्छा का 48। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इस 22 को उधर ले जाते हैं और इस 24 को उधर ही, तो ये 2x हो जाएगा और उसको उधर ले जाएगा तो 18 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 9, और हम क्या माने थे b के लिए 3x माने थे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 27, x बराबर 9 आ गया 27, b का हो जाएगा 18, तो आपका आंसर सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो छोटा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी सरल ब्याज पर 2 वर्षों में कोई राशि 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3200 रुपया हो जाती है, तो बताएं ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, आप लोग को बोल रहे हैं, नीचे अभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से जाएंगे आप 9:30 बजे, आपको रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देके अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू है, क्योंकि तभी तो आगे पढ़ाने का मन करता है ना। किसी सरल ब्याज पर, सरल ब्याज यहाँ आ गया मतलब साधारण ब्याज, देखिए वर्ड आप सोचिएगा कि हम साधारण तो सुने नहीं है, सरल साधारण ही होता है। किसी सरल ब्याज पर 2 वर्ष में कोई राशि 2800 रुपया से, 2 वर्ष में कोई राशि 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3200 रुपया, मतलब क्या है कि कोई राशि है, ठीक है, किसी सरल ब्याज पर, ठीक है, कोई राशि है 2 साल में कितना हो जाता है 2800 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में कोई राशि 2800 रुपया और 5 वर्ष में 3250 रुपया, 3250 रुपया। अब बताइए कि इसमें तीन, इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो 3 साल के लिए कितना ब्याज होगा, 3200 से 2800 घटा दीजिए क्योंकि सरल साधारण ब्याज है, ये हो जाएगा आपका 450। तो 1 साल का अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये 3 से इधर भागा हो जाएगा 150 रुपया, मतलब क्या 150 रुपया 1 साल का ब्याज है इसमें। 1 साल का साधारण ब्याज हम 1 साल पर निकालते हैं तो साधारण ब्याज हमारा 1 साल का कितना है 150 रुपया है। ठीक है, हम साधारण ब्याज यहाँ से निकाल लिए, 1 साल का कितना है साधारण ब्याज 150 रुपया। क्वेश्चन क्या है कि किसी सरल ब्याज पर 2 वर्षों में कोई राशि 2800 रुपया और 5 वर्षों में 3200 रुपया हो जाती है, तो अब बताइए 1 साल का 150 रुपया है और 2 वर्ष में अगर 2800 रुपया हो जाता है तो यहाँ इंटरेस्ट 2 साल का कितना लगा होगा, एक साधारण ब्याज है तो 1 साल का 150 तो 2 साल का 300, मतलब कोई राशि 2500 रुपया होगी। अब वो जाके 2 साल में ये 2800 में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, पी बराबर कितना हो गया 2500। यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं, 2 वर्षों में कोई राशि 2800 रुपया, तो कोई राशि कौन राशि, ये 2500, क्यों, क्योंकि 1 साल का 150 है तो पिछले 2 साल में उसको तो 300 रुपया दे के 2800 पहुँचा, तो प्रिंसिपल मेरा मेन कितना है 2500 रुपया, तो यहाँ से पी आपका आ गया 2500। देखिए मैथ है, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइंस मतलब कि कुछ GK GS नहीं है कि आप रट जाइएगा, अभी जो बता रहे हैं आप दिमाग में रखिए, क्वेश्चंस नोट करिए, इसको बनाइए, खुद बनेगा, प्रैक्टिस करने से ही मैथ होता है। तो पी आपका आ गया कितना 2500। आप सिंपल इंटरेस्ट SI जो निकाल लिए वो 150, क्योंकि 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है उसी को साधारण ब्याज बोलते हैं 150। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर निकालना है, समय आपका 1 साल के लिए निकाले हैं, टाइम आपका आ गया 1 ईयर। अब फार्मूला है आपके पास SI = P×R×T/100। हम इसको इसलिए नहीं छोड़ें क्योंकि पता नहीं आप बना पाते कि नहीं, SI कितना होता है, SI निकाल लिए थे हम 1 साल का 150, पी कितना था 2500 हो गया निकाल लिए थे, आर कितना है नहीं पता, टी था 1 साल और ये 100, ये 100 से 100 कट गया, ये 25 से 6 बार में कट गया, R बराबर हो गया 6%। क्या हो गया, R बराबर 6%। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा अभी तुरंत। ठीक है, डे टू डे स्टडी करके होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे डे टू डे स्टडी, और प्लीज़ वहाँ पे जाके रीजनिंग का अभी तुरंत 20 का 20 क्वेश्चन देख लीजिए, एक साथ आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट होते ही हम आपको साइंस स्टार्ट करेंगे, इसको कंप्लीट होते ही कंप्यूटर करवा देंगे। ठीक है, साथ साथ में सब हो जाएगा, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ यार थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा।